वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामूर्ति देवियों, हमारे जीवन में सत्संग की आवश्यकता क्यों है? हमें सत्संग क्यों करना चाहिए? खेती करता है आदमी, फसल होती है, अन्न मिलता है, जीवन निर्वाह होता है उससे। नौकरी करता है, तनख्वाह मिलती है, जीवन निर्वाह होता है उससे। व्यापार करता है, उससे भी पैसा मिलता है, जीवन निर्वाह होता है। सत्संग करने से क्या मिलता है? सत्संग की क्या जरूरत? क्यों करें हम सत्संग? जीवन में जैसे जीवन निर्वाह की आवश्यकता होती है, खाना पीना, कपड़ा, मकान, दवाई, इन सब की जरूरत होती है। खाना न मिले आदमी को तो कितनी परेशानी होगी। भूखा व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है। कितना ज्ञान विज्ञान की बात जानता हो आदमी, लेकिन सप्ताह भर का भूखा हो तो ज्ञान विज्ञान की सारी बातें भूल जाएंगी। इसलिए जीवन में पहली आवश्यकता भोजन की होती है। अब भोजन में क्या खाता है? रोटी खाता है, भात खाता है, खिचड़ी खाता है, क्या इसका कोई महत्व नहीं है? किसी भी प्रकार से पेट भरना चाहिए, जीवन निर्वाह होना चाहिए। उसके बिना किसी भी क्षेत्र में आदमी कुछ कर नहीं सकता। लेकिन पेट भर गया तो सब समस्याओं का समाधान नहीं हो गया। आज दुनिया में तो करीब करीब हर आदमी का पेट भरा हुआ है। ऐसा आदमी कोई बिरला होगा जिसे दो चार दिन में भी भरपेट खाने को न मिलता हो। पहले के जमाने में तो ऐसा सुना जाता था, लेकिन आज जमाना आगे बढ़ गया है और आदमी कुछ न कुछ मेहनत करता रहे तो 24 घंटे में एक बार भरपेट खाने को तो मिल ही जाएगा। लेकिन खाने को मिल गया, पेट भर गया और पहनने को कपड़े भी मिल गए तो क्या सब दुख का अंत हो गया? जीवन की समस्याओं का समाधान हो गया? आदमी का जब पेट भर जाता है, जीवन निर्वाह की वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाती है, बड़ा मकान बन गया है, बड़ी दुकान हो गई है, बड़ी गाड़ियां आ गई है और घर में पैसे भी बढ़ गए हैं, तब क्या होता है? दिमाग में खुरापात सूझती है, फिर आदमी व्यवस्थित नहीं रह पाता है, संतुलित नहीं रह पाता है। फिर तो क्या क्या बातें दिमाग में आती रहती हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता और वे सारी बातें दिमाग को परेशान करती है। आदमी उन बातों से बहुत पीड़ित रहता है। तो जीवन निर्वाह तो चाहिए, मजबूरी है, लेकिन जीवन निर्वाह हो जाने से जीवन की सारी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। तन की जो समस्या है, शरीर की जो समस्या है, वह समस्या बहुत थोड़ी है। ज्यादा समस्या तो मन की समस्या है। हर आदमी अपने मन में ही उलझा हुआ है। जितने भी दुर्व्यसन हैं, चाहे नाम कुछ भी ले लो, चाहे सामान्य तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, ले गांजा, भांग कहो या शराब कहो, और
शराब में भी अंग्रेजी शराब कहो या अन्य, और आजकल तो ऐसे ऐसे मादक द्रव्य निकल गए हैं कि थोड़ी सी मात्रा भी आदमी ले ले तो घंटों बेहोश। आदमी कहां से कहां कहां से कहां क्या क्या सोध लेता है। कहते हैं कि 1 किलो हेरोइन की कीमत 1 करोड़ रुपया होता है। अब 1 किलो हेरोइन की कीमत 1 करोड़ रुपया, आदमी ने अपने को बिगाड़ने के लिए कितनी मेहनत किया, कितनी शोध किया है। हेरोइन बनता है अफीम से, अफीम होता है काला, लेकिन इसको शुद्ध कर ले जब बन जाता है तब हेरोइन सफेद हो जाता है, इसलिए उसे कहते हैं सफेद सोना। आदमी ने अपने को बिगाड़ने में, जीवन को बर्बाद करने में जितनी बुद्धि लगाई है, जितनी ताकत लगाई है, उसका 25% क्या 50% भी यदि आत्म कल्याण के लिए लगा ले तो जीवन का बेड़ा पार हो जाए। अपने आप को बिगाड़ने के लिए कितने कितने उपाय आदमी ने सोध लिया है, लेकिन जहां सुधार की बात आती है वहां पर आदमी दूर भागता है। अब यहां देखो, यदि कोई नाच नौटंकी का आयोजन किया गया होता, और नाच नौटंकी के आयोजन से क्या होता है, थोड़ा मनोरंजन होता है, मन में विकारी भावनाएं ज्यादा आती हैं, मन में चंचलता ज्यादा भरती है, जितने नाच नौटंकी हैं मनोरंजन के नाम पर आदमी करता है उससे मन ज्यादा से ज्यादा विकारग्रस्त और चंचल ही होता है। लेकिन यदि यहाँ नाच नौटंकी का आयोजन किया गया होता तो यह ग्राउंड छोटा पड़ गया होता, इससे 2-4-6 गुना बड़े ग्राउंड की आवश्यकता होती। सुधार की बात है सत्संग में, जीवन कल्याण की बात है, आत्मशांति की बात है, तो ग्राउंड का 20वां हिस्सा भी कहां भर पाया है। तो अपने को बिगाड़ने में आदमी ने अपनी सारी ताकत झोंक दी है, और रोज रोज नए नए उपाय आदमी खोजने लगा है सुधारने के लिए, आत्मशांति आत्मकल्याण की प्राप्ति के लिए, जिसके लिए हमें मानव जीवन मिला हुआ है। हम बिल्कुल बेभान रहते हैं, ध्यान नहीं देते। कभी कोई संत गुरु आ गए तो थोड़ा बहुत जाकर पास में बैठ गए। मैं कह रहा था तन की समस्या कम होती है, ज्यादा गंभीर और दुखदायी होती है मन की समस्या, और मन की समस्या हर आदमी के पास है। आज शरीर की समस्या नहीं रह गई है, जीवन निर्वाह की समस्या करीब करीब नहीं रह गई, बीमार कुछ लोग होते हैं उसके लिए भी दवाइयां है, अनेक प्रकार की औषधियां आदमी ने बनवा लिया है, शोध लिया है, लेकिन मन की समस्या ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं है जी इंजेक्शन लगा लो और मन बिल्कुल समस्या ग्रस्त हो जाए, बिल्कुल निर्मल निर्विकार शुद्ध और शांत हो जाए। ऐसा तो है कि आप बटन दबाओ और बटन दबाते ही पूरा कमरा प्रकाश से जगमगा उठे, प्रकाश से भर जाए। बटन दबाओ, बटन दबाते ही कमरे को ठंडा करने की मशीन एयर कंडीशन मशीन चलने लगी और मिनटों में पूरा कमरा ठंडा हो गया। ठंडा होने के साथ साथ आपका शरीर भी ठंडा होने लगा, शरीर की बाहर की गर्मी दूर हो गई। लेकिन
विज्ञान ने आज तक ऐसा कोई बटन नहीं बनाया है कि बटन दबाओ और मन के भीतर जो अज्ञान का अंधकार छाया हुआ है वो दूर हो जाए और मन ज्ञान प्रकाश से भरपूर हो जाए, ज्ञान प्रकाश अंदर जगमगा उठे। ऐसा कोई बटन विज्ञान ने नहीं दबाया है, विज्ञान ने नहीं बनाया है कि बटन दबाओ और आदमी का जलता हुआ मन बिल्कुल शांत और शीतल हो जाए। विज्ञान के पास इसकी कोई खोज नहीं है, इसका कोई उपाय नहीं है। विज्ञान जो कुछ भी करता है बाहर की खोज करता है, बाहर की शोध करता है। मन की समस्या का समाधान स्वयं करना होगा और उसके लिए प्रेरणा मिलती है हमें संतों से, गुरुजनों से, जिन्होंने अपने मन की समस्याओं का समाधान कर लिया है। ऐसे संत, गुरु, भक्त, सज्जन, उनके पास हम बैठते हैं, श्रद्धा पूर्वक, विनम्रता पूर्वक जब उनकी बात हम सुनते हैं तब हमें अपने मन के विकारों का, मन की आदतों का पता चलता है और उन्हें दूर करने के लिए हम उपाय खोजते हैं। पता ही नहीं है, रोग का ही पता ना हो तो दवाई कैसी करोगी, कौन सी दवाई करोगे? रोग का पता ना होगा तो दवाई करते जाएंगे, रोग बढ़ता जाएगा। और रोग का सही सही पता हो जाए, रोग का सही सही निदान हो जाए तो सही दवाई खाने से, थोड़ी दवाई से ही रोग ठीक हो सकता है। हर आदमी दुखी है, किसी से पूछो या आप ये बताओ ईमानदारी के साथ कि आप सुखी हो कि दुखी हो। बिरले आदमी ऐसा मिले जो कह सके इन पूरी ईमानदारी के साथ कि मैं पूरा का पूरा सुखी हूं। 99% से भी ज्यादा, 99.99% लोग यदि ईमानदारी से कहें तो यही कहेंगे भैया मैं दुखी हूं। वैसे तो बोल चाल में लोग सामान्य कहते कहो भाई क्या हाल चाल है, हाँ महाराज आपकी दुआ है, कृपा, सब महाराज बिल्कुल सब ठीक ठाक है। अब कैसे कहते महाराज जी हाल चाल ठीक नहीं, तुरंत बातचीत में तो सब यही कहते हैं तो भैया सब ठीक ठाक है ना, हाँ महाराज जी सब ठीक ठाक है। थोड़ा सा घुमाकर पूछो कोई समस्या कोई दुख, करे महाराज जीवन में समस्या से कोई आदमी बचेगा, कोई दुख से बचेगा, फिर शुरू हो जाएगा उसका दुख। आप सुनते सुनते थक जागो, कहते कहते थकेगा नहीं, इतना दुख आदमी के पास है। तो हर आदमी दुखी है, साहब ने तो कहा है तन धरि सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। साहब कहते हैं बीजक में कि मैंने शरीर धारण करके किसी को सुखी नहीं देखा, जिसे देखा दुखी देखा। साहब की साखी यह भी है कि जा दिन ते जीव जन्मिया कभू न पाया सुख, पाते पाते डाले डाले मैं फिरा, पाते पाते दुख। जिस दिन से जीव जन्म लिया उस दिन से कभी पूरा पूरा सुख का अनुभव नहीं कर पाया। डाली डाली में आदमी घूमता है तो पात पात में दुख घूमता है। ये दुख कौन देता है, कहां से आता है ये दुख? ये दुख कोई बाहर से नहीं आता है, बाहर कोई दुख देता नहीं है, यह दुख भीतर से आता है और हमारा अपना बनाया होता है। अपना बनाया दुख कैसे होता है, कह सकते महाराज दुख आदमी है तो चाहता नहीं, फिर अपना दुख कैसे बनाएगा? ये निश्चित है कि कोई आदमी दुख नहीं चाहता, फिर भी आदमी अपने दुख स्वयं बनाता है। सबसे बड़ा दुख क्या है? सबसे बड़ा दुख है मन का न होना।
जैसा हम चाहते हैं, परिवार वाले वैसे नहीं हैं। जैसा हम चाहते हैं उतना हमारे पास धन नहीं है, जैसा हम चाहते हैं वैसा हमारा मकान नहीं है, जैसा हम चाहते हैं वैसे हमारे शरीर का गठन नहीं है, जैसा हम चाहते हैं परिवार वाले वैसे हमारी बात नहीं मानते, हमारी आज्ञा नहीं मानते। हर आदमी शिकायत में डूबा हुआ है, और इस शिकायत में डूबना, मन का न होना, यही सबसे बड़ा दुख है। मन में कोई शिकायत न उठे, पूरी तरह से मन शिकायत मुक्त हो जाए, ये कब होगा? जब आदमी अपने आप को देखना शुरू करेगा। जब तक हम बाहर देखते रहेंगे, दूसरों को देखते रहेंगे, तब तक मन शिकायत मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि हर आदमी बिल्कुल वैसा का वैसा नहीं कर सकता जैसा हमारा मन चाहता है। कितना प्रिय से प्रिय क्यों ना हो, प्यारी पत्नी हो, प्रिय पुत्र हो, श्रद्धे पिता हो, माता हो, प्रिय भाई हो, सबका सब बिल्कुल हमारे मन के अनुसार कैसे कर सकता है? उसके पास भी मन है, जिसे वो अच्छा समझेगा वही तो वो करेगा। अब उसका मन किसे अच्छा समझता है, हमारा मन किसे अच्छा समझता है, तो हम कैसे कह सकते हैं? और मन में जब अंतर आएगा तो फिर शिकायत शुरू हो जाएगी। तो ये मन का न होना सबसे बड़ा दुख है। और आदमी चाहता है सब कुछ मेरे मन के अनुकूल हो, हर लोग मेरी बात माने, कहीं मेरी अवज्ञा न हो, घर परिवार समाज के लोग मेरे अधिकार में रहे, मेरे शासन में रहे, ये तो चाहता है मन। अब किसके अधिकार में सब लोग रहे हैं, किसके शासन में सब लोग रहे? बड़े बड़े लोग आए जिन्हें हम महापुरुष कहते हैं, भगवान कहते हैं, उनके अधिकार में भी सबके सब लोग नहीं रहे हैं। दो प्रसिद्ध उदाहरण हम लें। उदाहरण दिया जाता है बड़े पुरुषों का, क्योंकि बड़े पुरुषों का उदाहरण देने पर थोड़े मन में बात जल्दी बैठती है। महाराज राम, महाराज कृष्ण, हमारे देश के ये दो बहुत बड़े महापुरुष हो चुके हैं, और लोग इन्हें भगवान मानकर इनकी आराधना करते हैं, इनकी पूजा करते हैं। माइक ऑपरेटर को बुला करके, तो महाराज राम और महाराज कृष्ण, इनको भगवान मान करके लोग इनकी पूजा आराधना भक्ति करते हैं, इनके मंदिर बनाते हैं, मूर्ति बना करके अपने घर में रखते हैं, करोड़ों करोड़ों लोग इनकी आराधना करते हैं। लेकिन जरा सोचो, थोड़ा उदाहरण लो, ये बहुत बड़े पुरुष हैं, क्या पूरे के पूरे लोगों को ये अपने अधिकार में कर पाए थे? महाराज राम अयोध्या में गद्दी पर बैठे हुए थे और उनके सामने ही उनकी निंदा शुरू हो गई कि जो सीता महीनों रावण के यहाँ पड़ी रही, उस राम को, उस सीता को ला करके राम ने अपनी पत्नी बना ली। हमारी पत्नियां भी कहीं चली जाएंगी, हमारी पत्नियां भी कहीं चली जाएंगी, तो हमें भी ऐसे करना पड़ेगा। अयोध्या में रहते रहते महाराज राम की निंदा शुरू हो गई, क्या करोगे? और आप चाहते हो कि हमारी कोई निंदा ना करे। तो मैं आपसे ये कह रहा था, हम और आप चाहते हैं कि कोई हमारी निंदा ना करे, हमें बुरा ना कहे। देखो, महाराज राम जैसे महापुरुष की निंदा करने वाले उनके जमाने में रहे, तो हमारी कोई निंदा कर दे, इसमें दुखी होने की क्या बात है? और दूसरी बात, महाराज श्री कृष्ण का उदाहरण लो। कहते हैं कि महाराज श्री कृष्ण ने
अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था और गीता का ज्ञान पा करके अर्जुन निर्मोह हो गया था। महाराज श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है, महाराज नेता कहा जाता है। जिस महाराज श्री कृष्ण के साथ गीता का ज्ञान जुड़ा हुआ है, क्या हुआ? महाभारत युद्ध के 36 साल बाद की घटना है। महाराज श्री कृष्ण के पुत्र पौत्र और उनके परिवार के लोग इतने उन्मादी और शराबी हो गए और आपस में इतना कलह करने लग गए कि महाराज श्री कृष्ण जैसे समर्थ पुरुष संभाल नहीं सके। महाभारत के शांति पर्व में ये कथा आती है। इतना हुआ, इतने महाराज श्री कृष्ण के परिवार वाले, उनके बेटे, उनके नाती, उनके पोते इतने शराबी हुए कि महाराज श्री कृष्ण भी आजीज आ गए, घबरा गए और उन्होंने राजा की ओर से यह आज्ञा निकलवाई कि आज के बाद कोई आदमी शराब बनाते हुए और शराब पीते हुए पकड़ा जाएगा तो उसकी पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और उसे देश से निकाल दिया जाएगा। इतनी कड़ी आज्ञा निकलवाई गई, लेकिन न शराब बनाना रुका और न शराब पीना रुका, क्योंकि बहुत बढ़ गया था और शराब पी पी करके महाराज कृष्ण के सामने उनके बाल बच्चे आपस में दूसरे को काट काट करके मर गए। उनके सामने ही उनके पूरे परिवार का विनाश हो गया। जरा देखो कितनी भयंकर घटना। जिस महाराज श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, उनके गीता का ज्ञान उनके बाल बच्चों के काम नहीं आया और महाराज श्री कृष्ण जैसे पुरुष अपने परिवार को संभाल नहीं पाए, उनके सामने ही उनका परिवार विनष्ट हो गया। लेकिन एक बात है, इतना विध्वंस होने के बाद, इतनी दुखद घटना घटने के बाद भी महाराज श्री कृष्ण शांत रहे। कथा आती है, उन्होंने फिर एक दूत को भेजा दिल्ली हस्तिनापुर अर्जुन के पास और कहा कि जो बच्चे बूढ़े महिलाएं बच गए हैं इनको ले जाओ हस्तिनापुर, इन्हें वहां बसाओ। और दूत भेजकर स्वयं चले गए जंगल और जंगल में जाकर के समाधि लगा करके बैठ गए। कितना उनके मन की मजबूती रही होगी, इस चीज को तो दर्द देखो। आदमी का एक छोटा सा बच्चा मर जाता है, कितना आदमी रो रो करके माथा पटक पटक करके परेशान रहता है, खाना पीना नहीं सुहाता है उससे, बात करना नहीं सुहाता है उससे। और जिसके सामने पूरा परिवार मर गया हो वो आदमी समाधि लगा करके बैठ जाए, उनका अपने मन पर कितना नियंत्रण रहा होगा, कितना कंट्रोल रहा होगा, कितना उन्होंने अपने आप को संभाला होगा। यही ज्ञान की विशेषता है। ज्ञान केवल कहने और सुनने के लिए नहीं है। जैसा उन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, अंत में वैसा ही जीवन उन्होंने जिया। ये उनके जीवन की विशेषता है। हमारे भी वो स्थिति हो सकती है, हम लोग खाली महाराज कृष्ण की भक्ति करते रहें, उनका गुणानुवाद गाते रहें, तो काम नहीं बनेगा। उन्होंने जैसा जीवन जिया और अंत में अपने मन को समेट कर वे शांति का समाधि का लाभ लिए, हम भी वैसा करें तो ये महाराज श्री कृष्ण की वास्तविक भक्ति होगी। मैं ये कह रहा था कि महाराज श्री कृष्ण और महाराज राम ये दो बहुत बड़े पुरुष हुए हैं, लेकिन उनके सामने उनकी निंदा होती रही, वे अपने परिवार वालों को और अपने देश वालों को पूरा का पूरा समझा नहीं सके, तो हम और आप ना समझा सके, जिसमें दुखी होने की कौन सी बात है। लोग कहते हैं ना, क्या करें महाराज, कलयुग का जमाना आ गया है, बाल बच्चे कहने में नहीं है, बाल बच्चे आज्ञा नहीं मानते हैं,
हर बूढ़े पिता को शिकायत होती है, महाराज बच्चे कहने में नहीं है, बच्चे आज्ञा नहीं मानते। सोचना चाहिए जब महाराज श्री कृष्ण जैसे महापुरुष के बच्चे उनकी बात नहीं मान पाए, तो आपके बच्चे बात नहीं मानते तो कौन सी बड़ी बात हो गई। इसलिए शांत रहा करो, शिकायत ना करो, उलझो मत, बहु बेटे को दोष मत दो। जितनी बात मान ले उतना धन्यवाद दो, और बात न माने तो धन्यवाद दे दो। बात माने तो धन्यवाद दो, बात न माने तो भी धन्यवाद दो, तब सुख से जीवन जी सकोगे। और शिकायत में उलझोगे भाई तो जितनी शिकायत करोगे ना उतना बेटा बहू आपसे दूर हटते ही जाएंगे, फिर आज्ञा और नहीं मानेंगे। कुछ थोड़ी बहुत बात मानते हो वो भी छोड़ देंगे मानना, क्योंकि पिताजी शिकायत तो करेंगे, प्रसन्नता तो करेंगे, नहीं तो छोड़ो ना बात मानना, क्या करना है बात मान करके। इसे शिकायत मत करो, उन्हें दोष मत दो, जैसा करते हैं करने दो। हाँ, आपकी बात सुनना चाहे, आपकी बात वो बैठते हैं, उनका प्रेम है, तो दो अच्छी बात बता दो, बेटा ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। उनका मन होगा मानेगा, नहीं मन होगा तो नहीं मानेगा, बात करोगे क्या। केवल राय दी जा सकती है, जबरदस्ती किसी से अपनी बात मनवाई नहीं जा सकती, इस चीज को ख्याल रखें। और हम चाहते हैं हम घर के मालिक हैं, हम समाज के मुखिया हैं, हम मठ के महंत हैं, हम समाज के गुरु हैं, लोग हमारी बात कैसे नहीं मानेंगे, बस दुख शुरू हो जाता है यहीं से। मैंने कहा था कि हर आदमी अपना दुख स्वयं बनाता है। क्यों बनाता है? जितना हम दूसरों को अपने अधिकार में करने की चेष्टा करेंगे और सोचेंगे, उतना हमारा दुख बढ़ता चला जाएगा। इसलिए किसी को अधिकार में करने को मत सोचो। यदि अधिकार में करने की लालसा है, बिना किसी को अधिकार में किए आपको चैन नहीं मिलता, तो एक चीज को अधिकार में करो। वो क्या चीज? वो चीज है आपका अपना मन। अपने मन को अधिकार में कर लो, फिर किसी को अधिकार में करने की भावना उठेगी ही नहीं। इसलिए सद्गुरु कबीर ने कहा है, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसा सींचे मूल को फूले फले अखाए। एक मन को साध लोगे तो सारी साधनाएं पूरी हो जाएंगी। और मन को ना साध करके थोड़े यहां दौड़े, थोड़ा वहां दौड़े, थोड़ा वहां दौड़े, तो सब का सब बिखर जाएगा। साहब उदाहरण देते हैं, देखो यदि पेड़ की जड़ को खाद पानी दो, पेड़ की जड़ को सींचो, तो पेड़ की जड़ को सींचने से पूरा पेड़ हरा भरा होता है, फूल आते हैं, फल आते हैं, और पेट भर फल खाने को मिलता है। अगर यदि हम सोचे अरे पेड़ की जड़ को क्या सींचना है, बहुत बड़ा पेड़ है, पेड़ में ये जड़ में तो न तो फूल आते हैं और जड़ में न तो फल आते हैं, फल तो आते हैं डालियों में, तो डालियों को सींचेंगे, खाद वहां डालेंगे, तो क्या होगा। कितनी भी डालियों को सींचो, कितनी भी डालियों को धो और खाद दो, पेड़ सूखता चला जाएगा, न फूल आएगा न फल आएगा। तो डाली को सींचने की जरूरत नहीं, कोई किसान ऐसा नहीं करता, कोई आदमी ऐसा नहीं करता, डाली को नहीं सींचता, पेड़ और पत्तों को नहीं सींचता, खाद पानी देता है जड़ में। लेकिन जीवन में बात आती है तब उल्टा हो जाता है, मन को बस में नहीं करता, सबको बस में करने को सोचता है, इसलिए पूरा जीवन बिखर जाता है। तो हमारी जो समस्या है वह असली समस्या हमारे मन की समस्या है, और हर आदमी अपने मन की समस्या में ही उलझा हुआ है। ये मन की समस्या दूर कैसे हो, कैसे हम अपने मन की समस्याओं का समाधान करें, इसके लिए प्रेरणा प्राप्त करने को, इसके लिए रास्ता जानने के लिए ही सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। मैंने शुरू में कहा था कि जीवन में सत्संग की क्या जरूरत है,
सत्संग से धन नहीं मिलता है, सत्संग से अनाज नहीं मिलता, सत्संग से प्रतिष्ठा नहीं मिलती, लेकिन सत्संग से मूल बात मिलती है मन को समझने की, मन को सुलझाने की, मन को दुनियादारी से मोड़ करके कल्याण की तरफ, आत्मा राम की तरफ, अपनी तरफ लाने का रास्ता ज्ञात होता है। हर आदमी के पास मन है और मन ही मुख्य है हमारे पास। बंधन बनाने का काम भी मन से होता है और बंधन तोड़ने का काम भी मन से ही होता है। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, ऋषियों ने कहा है कि मन ही आदमी के बंधन और मोक्ष दोनों का कारण बनता है। प्रश्न हो सकता है कि एक ही मन बंधन और मोक्ष दोनों का कारण कैसे बनेगा? या तो बंधन का कारण बनेगा या मोक्ष का कारण बनेगा। लेकिन हकीकत क्या है? मन ही बंधन का भी कारण है और मन ही मोक्ष का भी कारण है। कैसे? आप जानते हैं, आप लोग कहीं जाते होंगे घर से बाहर, घर में कोई नहीं होता है तो घर में लगाते हैं ताला। ताला लगाते हैं तो ताला लगाने के लिए चाबी होती है और ताला खोलने के लिए भी चाबी होती है। ते बताओ, ताला खोलने की चाबी अलग होती है और ताला बंद करने की चाबी भिन्न होती है, अलग होती है? ऐसा तो नहीं होता है। वही चाबी होती है, उसी चाबी से ताला खुलता है, उसी चाबी से ताला बंद होता है। बाईं तरफ से दाईं तरफ घुमा दो ताला खुल गया और दाईं तरफ से बाईं तरफ घुमा दो ताला बंद हो गया। तो जैसे ताला को खोलने की वही चाबी और ताला बंद करने की वैसी चाबी, वैसे ही बंधन बनाने के लिए भी वही मन है और बंधन काटने के लिए भी वही मन है। अब घुमाना किधर है, बस ये युक्ति जानना है। ये कैसे घुमाए मन को, ये जानने के लिए सत्संग की जरूरत पड़ती है। मन से तो हर आदमी काम ले ही रहा है, ऐसा नहीं कि मन से काम नहीं ले रहा है। अब उस मन से काम कैसे लेना है, मन को लगाना कहाँ है, यह हमें सोचना होगा। सदगुरु कबीर ने कहा है, कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाओ, भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाओ। क्या कहते भाई, देखो मन तो एक है, जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां लगा लो। या तो इस मन से गुरु की भक्ति करो या इसी मन से दुनिया का राग रंग करो, दोनों हैं। क्षमा करना भी मन से होगा, क्रोध करना भी मन से होगा, त्याग करना भी मन से होगा, भोग करना भी मन से होगा, वासना में उलझना भी मन से होगा और वासना काटकर उपासना करना भी मन से ही होगा। दोनों मन से है। और एक समझ लें हम, भजन और भोजन दो चीज है। मैंने शुरू में कहा था कि बिना भोजन के किसी आदमी का जीवन नहीं चल सकता। आदमी ही नहीं, कोई भी प्राणी दुनिया में ऐसा नहीं है जिसका जीवन बिना भोजन के, बिना कुछ खाए चल सके। हर आदमी को, चींटी से लेकर के हाथी तक, सबको, चींटी सबसे, चींटी बहुत छोटा जानवर है, हाथी बहुत बड़ा जानवर, क्योंकि हाथी हम देखते हैं इसलिए हाथी बहुत बड़ा जानवर। वैसे दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है मछली। मछली इतनी बड़ी बड़ी होती है कि एक एक मछली 50-50 हाथी से भी बड़ी होती है। मैं जीवित मछली तो नहीं देखा हूं, एक मछली का कंकाल देखा हूं। बड़ोदरा में, गुजरात में बड़ोदरा शहर में संग्रहालय है, म्यूजियम, वहां व्हेल मछली का ढांचा रखा है। वो कहते हैं कि समुद्र में बाढ़ आई तो उसी बाढ़ साथ मछली नदी में आ गई, आकर के फंस गई, निकल नहीं पाई। वो कहते हैं वो बच्चा मछली थी, व्हेल मछली का बच्चा था, फंस गई,
पानी जब उतर गया तो देखा मछली फंसी हुई, लोगों ने उसको मार डाला। और मार डाला तो उसके कंकाल को अभी बड़ोदरा शहर के म्यूजियम में रखा हुआ है, उसकी लंबाई है 72 फीट और ऊंचाई है 14 फीट। अब वो कहते हैं वो मछली बच्चा मछली है, इतनी बड़ी मछली है। अब खाली कंकाल इतना बड़ा है तो जब मछली पूरी रही होगी, मांस वांस भरी हो रही होगी तो बहुत भारी रही होगी। तो वैसे कलकत्ता के जो म्यूजियम है, संग्रहालय वहां का, तो उसमें एक व्हेल मछली का रखा है जबड़ा, जैसे आदमी जबड़ा होता है ना, जानवी जबड़ा, तो वैसे एक व्हेल मछली का जबड़ा रखा है। तो एक जबड़े की लंबाई है 12 फीट। तो मैं कह रहा था कि ऐसी बड़ी मछली है उसको भी खाने को कुछ न कुछ मिल ही जाता है। चींटी से लेकर के जितने भी जानवर है सबको खाने को मिलता है, भोजन सबको मिलता है। लेकिन एक चीज पर ख्याल हमें करना होगा, दुनिया में भोजन करने का सौभाग्य कीड़े मकोड़े से लेकर के हाथी तक हर प्राणी को मिला है। लेकिन दुनिया में भजन करने का सौभाग्य केवल आदमी को मिला है। और आदमी भी भजन न करे तो क्या कहा जाए आदमी को फिर? तो भजन से जीवन का उद्देश्य प्राप्त होता है, जीवन का लक्ष्य प्राप्त होता है। भोजन पे तो जीवन चलता है, मजबूरी है, लेकिन भोजन करना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य क्या है? भोजन करके शरीर का पालन पोषण करना और शरीर से साधना करके आत्मकल्याण का काम करना, यह जीवन का उद्देश्य है। हमें यह जो जीवन मिला हुआ है मात्र भोजन करने के लिए नहीं, किंतु भजन करने के लिए मिला है। हमें जो जीवन मिला हुआ है भोग के लिए नहीं, योग के लिए मिला हुआ है। हमें जो जीवन मिला हुआ है वासना में उलझने के लिए नहीं, किंतु उपासना में समर्पित होने के लिए मिला है। और यह सब काम किससे होना है? मन से होना है। इसलिए हमें अपने मन की ही समस्याओं का समाधान करना होगा। मन सुलझा हुआ है, मन साफ है, तो समझ लें दुनिया में फिर कोई और दुख नहीं है। और मन उलझा हुआ हो तो बड़ा सा बड़ा सुख मिल जाए तो भी सुख का अनुभव नहीं हो सकता। तो मैं आपसे यह कह रहा था कि सत्संग के जीवन में क्या आवश्यकता है। मैंने आपसे निवेदन किया तमाम काम करने से हमें जीवन निर्वाह के साधन मिल जाते हैं, जीवन निर्वाह की सुविधा हो जाती है। लेकिन मात्र जीवन निर्वाह होने से मन शांत नहीं होता, मन की समस्याओं का समाधान नहीं होता, पूरा दुख हमारा दूर नहीं होता। हमारी मानसिक समस्याओं का समाधान कैसे हो, हमारी मानसिक उलझने दूर कैसे हो, उलझा हुआ मन सुलझे कैसे, और जिसके लिए हमें ये जीवन मिला हुआ है आत्मशांति की प्राप्ति, वह आत्मशांति कैसे मिले, इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए ही सत्संग की आवश्यकता होती है। अन्य जगह ये बातें और कहीं जानने को नहीं मिलती, किंतु ये बातें जानने को मिलती है केवल संतों द्वारा, गुरुजनों के द्वारा। इसलिए हम सब जो जहां हैं वहां जिस प्रकार के काम धंधे हैं उन सबको करते हुए थोड़ा अपने मन की समस्याओं का समाधान करने के लिए भी समय निकालें और अपने आप को संतों के गुरुजनों के चरणों में समर्पित करके उनसे ज्ञान प्राप्त करें और उस दिशा में चलने का प्रयास करें ताकि हम इस जीवन में पूरे आत्म शांति का लाभ ले सकें। गुरुदेव जी विराजमान हैं, बहुत देर से आप गुरुदेव जी के कल्याणकारी विचार श्रवण करने